नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। आपने अक्सर सड़कों पर अपराधियों का जुलूस निकालते हुए पुलिस वालों को देखा होगा, लेकिन जबलपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो अपराधियों का जुलूस निकालने वाली खाकी को और पूरे पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली है। दरअसल जबलपुर के ग्वारी घाट थाना इलाके के चौधरी मोहल्ले में सब इंस्पेक्टर और उसके साथी को जनता ने पकड़कर पहले तो शहर भर में घुमाया और फिर पुलिस वालों को ही पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जनता ने पुलिस वालों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया, तो आपको बता दें कि चौधरी मोहल्ले में एक महिला दो बेटियों के साथ रहती है और लोगों को शक था कि ये तीनों मिलकर घर में देह व्यापार का धंधा करती है। इन महिलाओं के घर रोज कई लोगों का आना जाना था, जिसके चलते रोजाना होने वाले गलत कार्यों से यहाँ स्थानीय लोग परेशान थे। आए दिन तरह तरह के लोग महिलाओं के घर पहुंचते और दारू पीकर हंगामा करते थे। एक दिन बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मोहल्ले वालों ने महिला के घर में रेड मार दी और इसके बाद लोगों ने महिला के घर के अंदर जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही दरवाजा खोल महिला के घर में लोग घुसे तो अंदर पुलिसकर्मी और एक दरोगा महिला के साथ नग्न अवस्था में लेटा था। ये देखते ही मानो स्थानीय लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि लोगों को इस बात का तो शक था कि इस महिला के घर में गलत काम करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि यहां जब छापा मारा जाएगा तो अंदर से पुलिस वाले निकलेंगे, वो भी बिना कपड़े महिला के साथ। जब लोगों ने सब इंस्पेक्टर और उसके साथी को घर में मौजूद महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो दोनों पुलिस वाले छत के रास्ते से भागने की कोशिश करने लगे। ऐसा ही तो इतना हड़बड़ा गया था कि अपना पैंट भी नहीं पहन पा रहा था। दोनों ने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया और जुलूस निकाला गया। इस मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो ग्वारी घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसआई और उसके साथी को थाने ले गई। मौके पर एक कार खड़ी थी जिस पर पुलिस लिखा हुआ था। कार में बैक सीट के ऊपर एक कैप और वर्दी रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि वो वर्दी उसी दरोगा की है जो महिला के साथ पकड़ा गया था। दरोगा का नाम गोविंद तिवारी है और उसकी पोस्टिंग पना नगर थाने में है। पुलिस वाले के साथ जो उसका साथी पकड़ा गया था उसका नाम जीतू शर्मा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब बात खाकी की आई तो स्थानीय पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। पहले तो पुलिस ने मानने को ही इनकार कर दिया कि दोनों लोगों में से जो पकड़े गए हैं उनमें से कोई सब इंस्पेक्टर भी है, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने प्रूफ के तौर पर वीडियो होने की बात कही तो दबी जुबान में ग्वारी घाट थाने के एएसआई एस गौर ने यह माना कि पकड़े गए लोगों में से एक आदमी दरोगा है। उसे 15 दिन पहले ही प्रमोशन मिला था। इतना ही नहीं, वो विभाग में शराब पीने और अपनी आदत और अय्याशी मिजाज के चलते बदनाम है। फिलहाल पुलिस अय्याश दरोगा को तो पकड़ कर ले गई, लेकिन लोगों की मांग है कि उन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जाए जिनके घर खुलेआम जिस्म फरोखी का धंधा चलाया जा रहा है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या पुलिस महिलाओं के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई करेगी या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। चैनल को सब्सक्राइब करें।